तो अखिलेश यादव तो आई थिंक ये वो हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने काम करा था और फिर जब हार गए थे तो वो सारे नलके वलके भी निकाल के ले गए थे। इस तरह के लोग हमारे सीएम बनते हैं यूपी के। इस बंदे ने बिल्कुल कुछ काम नहीं करा होगा इस चीज के ऊपर, बट ये अब लेके आ गया। गाइस ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेटा आपको नहीं दिखाते। 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड पे। जो पहले चलता था वही कुछ चेंज क्या ला पाए आप लोग? कुछ भी नहीं। वेलकम टू द बालियन शो। हमारा मकसद है इंडिया को नंबर वन बनाना और हम मानते हैं कि इंडियंस जब बहुत ज्यादा अवेयर होंगे और जब सारा डेटा उनके साथ सामने होगा, साइंस सामने होगा, डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनके लिए फैक्ट्स साथ में होंगे, तो वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे और इस तरीके से वो इंडिया का नंबर वन कंट्री हम सब मिलकर बना सकते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई बार पॉलिटिशियंस को साथ में भी आना पड़ता है। ये लोग कई बार सब लोग साथ में आ जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं पार्टी के, क्या वो साथ में आपस में एक दूसरे के मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत राष्ट्रीय समिति BRS प्रेसिडेंट तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तो भारत राष्ट्रीय समिति BRS ये पार्टी है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली करी और इसके अंदर इट वॉज अटेंडेड बाय केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब CM भगवंत मान, उत्तर प्रदेश फॉर्मर CM अखिलेश यादव। सो अखिलेश यादव तो आई थिंक ये वो हैं जो अपने घर आई थिंक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने काम करा था और फिर जब हार गए थे तो वो सारे नलके वलके भी निकाल के ले गए थे। तो इस तरह के लोग हमारे CM बनते हैं यूपी के। इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में हैं जो आपको रिलीजन के नाम पे, जैसे ये लोग मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं बहुत हेविली और यू नो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं बस ये लोग ना, कि ये कास्ट को अपने साथ रखना है उस रिलीजन को, तो उसके अगेंस्ट वो कर दो, उसके अगेंस्ट ये कर दो और बीच में जीत जाओ और पैसे कमाओ। ये लोग साथ में रैली कर रहे हैं। 2024 की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और आप लोग को भी सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि 2024 में फिर से एक और 5 साल आप किसको अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाले हो और क्या वो पिछले 5 साल में आपसे बात कर रहा था, कोई कम्युनिकेशन थी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी आपकी, सोचिए। अब LG और दिल्ली CM की लड़ाई तो काफ़ी ज़्यादा हो ही रही थी, उसके अंदर अब नेक्स्ट जो सीन हुआ है, आज का जो मसाला है वो बहुत सारा मसाला है, आपको मजा आने वाला है आज का। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑन वेडनेसडे, द थर्ड डे ऑफ द असेंबली, विंटर सेशन हो रहा है हमारा, उसमें बोला है उन्होंने, ही इज एक्टिंग लाइक अ चीफटेन ऑफ अ ट्राइब। फिनलैंड के अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे, उसको उन्होंने रोका हुआ है, LG ने मना कर दिया कि नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली जो कलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है CM है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं फिर CM किस बात का हूँ, ऑब्वियसली मतलब। तो इस तरह से इनके बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। BJP के जो MLAs हैं उन्होंने बोला कि भाई यमुना पोल्यूशन के लिए उन्होंने भी फिर अपना स्टार्ट करा कि ये लोग तो कर ही रहे हैं, हम भी कुछ एक काउंटर करने के लिए एक और कुछ करते हैं। तो बाकी पूरे साल इस बंदे ने बिल्कुल कुछ काम नहीं करा होगा इस चीज़ के ऊपर, बट ये अब लेके आ गया यमुना पोल्यूशन। तो असेंबली होल्डिंग अ बॉटल्स ऑफ ब्रैकिश वाटर, तो ब्रैकिश वाटर को असेंबली में लेके आया, देखो यमुना का पानी कितना काला है। तो ये सीन हो रहा है यहाँ पर। वॉज ऑफरिंग ब्राइब, तो पहली खबर थी हमारे मनीष सिसोदिया ने बोला कि भाई ट्राइब का चीफटेन है। उसके बाद दूसरी खबर थी हमारी कि MLAs मार्शल्ड आउट क्योंकि ये लोग यमुना का पानी वहाँ पर लेके आए और ये सब सीन हो रहे हैं वहाँ पर। 4 BJP MLAs वो मार्शल्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर दे प्रोटेस्टेड स्पीकर राम निवासिस गोयल रिफ्यूजल टू अलाउ अ डिबेट ऑन द इश्यू ऑफ पोल्यूशन। तो पहली बात तो रिफ्यूजल टू अलाउ ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक लाइक यू नो एनवायरमेंट, तो वो गलत बात है। फिर दूसरा ये भी आज ही लेके आना था नहीं क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फिर तीसरा क्या होता है और फोटो है इसकी, क्लेमिंग अ थ्रेट टू हिज लाइफ, आप MLA मोहिंदर गोयल वेव्ड बंडल्स ऑफ करेंसी नोट्स इन द असेंबली सेइंग दैट अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट Hospital had offered him the cash as a bribe. Mr. Goyal said powerful people were trying to silence him as he raised the issue of alleged irregularities in the hiring of contractual workers at the Baba Saheb Ambedkar Hospital. Hiring of contractual workers के अंदर corruption, तो इसको भाई पैसे दे रहे हैं। तो guys ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेटा आपको नहीं दिखाते ये लोग, आपको डेटा दिखाते ही नहीं है अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, किस तरह से हायरिंग हो रहा है, कुछ भी डिजिटल नहीं है। काफी हद तक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डिजिटल लेके आई है, उससे पहले मनमोहन गवर्नमेंट डिजिटल लेके आई थी, वो सब हो रहा है। बट एक एग्रेसिव अप्रोच जो होती है कि अगर आपको एक्चुअल में सब कुछ सॉर्ट करना है तो आप प्लीज डिजिटल करो, तो वो नहीं हो रहा है। इस तरह से ये छुटपुट और ये छुटपुट नहीं है बाय द वे, बहुत बड़ा बड़ा होता है इसके अंदर, बट करप्शन हो रहा है और इसको अगर हम डिजिटलाइज कर दे तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोल ब्लॉक एलोकेशन पहले होती थी, कोल ब्लॉक्स के जो एलोकेशन होते थे फुल पावर करप्शन था, बट ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने क्या करा, पूरा ऑनलाइन कर दिया बिडिंग प्रोसेस। कितना सारा पैसा हमें मिल गया, उस पैसों से हमने पॉवर्टी हटानी है, एजुकेशन करना है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करनी है, हॉस्पिटल्स बनाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन चीज़ों को जब हम साथ में करेंगे, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो वाला अगर हम सीन कर देंगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम डिजिटलाइज करें। दर्दनाक खबर, IIT दिल्ली PhD स्कॉलर। इसमें सैड बात यह है कि रोड एक्सीडेंट्स, जो कि हर वीडियो पर अगर आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे, रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा इशू है और इसको हम बहुत सीरियसली लेके जाना चाहते हैं द बालियन शो में TBS में। तो इसमें क्या सीन हुआ है, IIT दिल्ली PhD स्कॉलर और उनके दोस्त, वो SDA मार्केट और IIT कैंपस, इसके बीच में वो क्रॉस कर रहे थे रोड को और वहां पर उनको एक स्पीडिंग कार ने खत्म कर दिया। वो IIT दिल्ली PhD स्कॉलर का नाम मिस्टर अशरफ नवाज खान, तो सैडली इनकी डेथ हो गई है। और जो अंकुर शुक्ला है वो अभी हॉस्पिटल में है और
बात यह है कि यार 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड पे, 450 लोगों की मौत हर दिन होती है। तो ये हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, और प्लीज़ इसको कम करो यार। मतलब हमें साथ में इसको कम करना पड़ेगा, हमें डेटा शेयर करना पड़ेगा। जब भी कोई बाहर जा रहा है, रोड पे जा रहा है, उसको बोलो प्लीज़ ध्यान से चलाए और ध्यान से अवेयर रहे। यहाँ पर इंडिया में कुछ भी कभी भी हो सकता है, बिकॉज आपके पॉलिटिशियंस इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, बाकी हम लोग काम कर ही रहे हैं, और साथ में मिलकर हम इस चीज़ को भी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, और इस फिगर को हम कम करना है हमें हर साल। बस बात यह है कि विद द माध्यम ऑफ डिजिटल माध्यम से आप प्लीज़ लोगों को बताएं। तो अब इसमें सैड बात क्या है कि ड्राइवर ऑफ द कार हैज बीन अरेस्टेड, वी हैव अप्रिहेंडेड द ड्राइवर अरिवंत सराहावत, जो भी है ये। व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली, पीपल आर ड्राइविंग इन, वही हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है? दिल्ली की बात नहीं है, पूरे इंडिया में क्या हो रहा है? और बात ये है कि भाई इंडिया में जब रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, जो कि 426 डाई ईच डे अकॉर्डिंग टू 2022, 18 पर आवर लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में, बट डेफिनेटली इससे ये फिगर 3 times होगी। इसमें सैड बात ये है कि जो बीच में एक इनका ना एक उन्होंने वो दिया हुआ है क्रॉसिंग करने के लिए एक टनल, तो वो बंद था उस टाइम। तो ये होता है मिसमैनेजमेंट, क्योंकि जो आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLA, MP, फिर वो MCD, फिर यू नो डिफरेंट, ये बंदे नहीं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हर लेवल पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो आपसे कब बात करते हैं? सिर्फ वोट के टाइम। जो आपके गवर्नमेंट इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, वो अपने पार्टी मोड में चल रहे हैं, भाई हम तो ये बन गए, और वो अपने अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो कैसे होगा इस कंट्री का? दीज पीपल आर जस्ट लाइक अनदर, लाइक वही जो पहले चल रहा था, वही कुछ चेंज क्या ला पाए आप लोग? कुछ भी नहीं। MP के अंदर मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हेल्ड अ मीटिंग विद ऑल द मिनिस्टर, सबके साथ मीटिंग करी, और कह रहे हैं भाई 5 February से लेकर 20 February तक यात्रा करो यार, यात्रा करो, यात्रा करेंगे तभी विकास होगा, अगर हम यात्रा नहीं करेंगे कोई विकास नहीं होने वाला है, सो प्लीज डू यात्रा। तो ये इनका जो यात्रा होती है बीजेपी की, एनुअल इवेंट है बाय द वे, तो ऐसा नहीं है कि यू नो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो भाई ये भी यात्रा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इनकी यात्रा होती है। बट पॉइंट वो है कि ठीक है, यात्रा करनी चाहिए, यात्रा इज गुड, एंड बट एट द सेम टाइम मतलब आप लोग विकास यात्रा ये कर रहे हो, बट विकास कितना करा है आपने? अगर मैं लिटरली स्टार्ट कर दूंगा ये सब करना कि एमपी के मैं फैक्ट्स देखूं, कितनी वहां पर इलिटरेसी है, कितने वहां पर लोग पॉवर्टी के अंदर है, कितना माल न्यूट्रिशन है, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चों का मोलेस्टेशन रेप हो रहा है, तो वो सब फिर विकास दिख जाएगा। वो भी करूंगा मैं अगले थोड़े दिनों में ना, वो उस लेवल पे लेके आएंगे हम TBS को, और फैक्ट्स एंड फिगर कि भाई ये सीन है। 2024 में इलेक्शंस आ रहे हैं, आई थिंक हमें करना ही पड़ेगा, सो दैट देयर इज अ न्यू वेव, अदरवाइज वी आर स्टक हियर यार। मतलब हम लोग अभी यंग है, तो हमारे यंग ईयर्स जो होते हैं, पीक ईयर्स होते हैं, वो ये लोग इस तरह से मतलब खराब कर रहे हैं, वेयर वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स डिजिटली। अगर हम डिजिटल को लेके आए तो बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं, और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, स्टूडेंट सुसाइड्स इन कोटा ड्रॉ अटेंशन ऑफ राइट्स कमीशन। फेमस जगह है, और यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर बहुत तगड़ा चलता है, बट बहुत कॉम्पिटेटिव है यार इसमें ना सीन। तो द स्पेट ऑफ सुसाइड्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा हैज कॉट द अटेंशन ऑफ राजस्थान States Human Rights Commission. State Human Rights Commission ने इसको recognize करा है कि कोटा में बच्चे suicides कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई का pressure और family pressure. क्योंकि issue क्या है? Issue ये है कि यहाँ पर इंडिया में क्या है कि Bollywood scene start हो जाते हैं कि बेटा अगर तूने नहीं करा तो फिर क्या होगा हमारी family का, you know, etc. etc. So parents, please, मतलब एक ही हमें शायद और भी life होती होंगी, या फिर different religions में ये है कि बाद में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बट अभी तो यही जो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है उसमें यही है ना कि हमारे एक लाइफ है, तो उसमें बच्चों के साथ ये मत करो यार, उन पे प्रेशर मत डालो। हर बच्चे का अपना खुद का एक स्किल है, हर बच्चे का एक खुद का एक आर्ट फॉर्म है जो वो क्रिएट कर सकता है। हमें हमारा काम है कि पेरेंट्स का काम है कि उसको रिकग्नाइज करें और उसको उस तरफ भेजें, ना कि हर बंदे को वही मतलब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वही सबको इंजीनियरिंग सबको ये, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, बट ये इसलिए हो रहा है, वो बॉलीवुड ड्रामा यू नो मेंटल हेल्थ पे कोई फोकस ही नहीं है। प्लीज आपका बच्चा कोटा में कुछ कर लेगा बेटर है, या फिर वो जिंदा रहे, थिंक अबाउट इट। प्रपोजल टू रिड्यूस एज फॉर परचेज ऑफ लिकर विदड्रॉन। तो 21 से ये लोग 18 कर रहे थे कर्नाटका के अंदर, जो अल्कोहल का लीगल एज ऑफ यू नो बाइंग है, लेकिन इसमें क्या सीन है कि अब न्यूज वाले आपको ऐसे दिखा देंगे कि देखिए वहाँ की गवर्नमेंट तो ये कर रही है, कम कर रही है, बट एक्चुअली गलत तो कर ही थी वो, ज्यादातर गवर्नमेंट्स गलत ही कर रही है, मतलब इनको वही बता रहा हूँ ना, मतलब ये लोग कुछ नहीं करते हमारे लिए। द गवर्नमेंट हैड ऑन January 9 इशूड ड्राफ्ट रूल्स टू अमेंड द कर्नाटका एक्साइज जनरल कंडीशन। तो कर्नाटका एक्साइज जो जनरल कंडीशन है उसमें जो एज लिमिट थी वो ये था कि भाई एज लिमिट फॉर परचेज एंड कंजम्पशन अलगोस टू 18 years। तो कर्नाटका के अंदर दो रूल्स के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन था, एम्बिग्विटी थी, एक जगह पर 18 एक 20, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि सोचा कि चलो 18 ही कर दे, जो अच्छे लॉज है जो करना चाहिए वो कर लो प्लीज, ये सब छोड़ दो अभी, जो करना चाहिए वो करो।
पेपर लीक आजकल भी चल रहा है, और सचिन पायलट जो है ये वहां पर राजस्थान के अंदर रैली में उन्होंने बोला है कि भाई पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस सरकार कर क्या रही है। तो वही सब, मिस्टर पायलट हैड सेड दैट द मास्टरमाइंड्स ऑफ द पेपर लीक, मास्टरमाइंड्स ऑफ द पेपर लीक शुड बी ब्रॉट टू द बुक इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेटी बुक ब्रोकर्स। ओके, मुझे नहीं पता कि पेपर लीक अभी भी हो रहे हैं, वो भी टीचर्स के अंदर ये सब सीन हो रहा है। न्यू डेमोग्राफिक डेटा इन चाइना शोड दैट द कंट्री हैड मोर डेथ्स देन बर्थ्स लास्ट ईयर। तो जो मैंने कल बताया था कि चाइना का जो सीन है वन चाइल्ड पॉलिसी से उनका वो खराब हो गया। ऑब्वियसली जब तुम गलत चीजें करोगे तो कर्मा वही कर्मा उनके साथ भी हो रहा है। तो अब उनकी इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, उनके जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है, इंडिया नंबर वन पे है, और इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। प्लीज प्लीज गवर्नमेंट्स डू दिस। हमारी कंट्री के बहुत सारे जो इश्यूज है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जो हम सबके जो सैलरीज हैं बहुत कम है पूरे इंडिया में ना, एवरेज सैलरी होती है, तो उसको सब बढ़ जाएगा अगर हम चाइना की जो सारी अपॉर्चुनिटीज है अपने आने आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिमी अगेंस्ट बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उन्होंने बैन कर दी थी 2019 के अंदर, उसको रिवोक, बैन को रिवोक करने का एक ये पिटिशन डाली गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जब होम मिनिस्ट्री है उसने एक एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि हम क्यों नहीं करना चाहिए, दैट इज इट वॉन्ट्स टू क्रिएट अ कैलिफेट, ठीक है, विद एन इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। आइडल वर्शिप इज अ सिन। द सिमी एम्स टू मोबिलाइज स्टूडेंट्स यूथ इन द प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम एंड ऑब्टेन सपोर्ट फॉर जिहाद। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ शरीयत बेस्ड इस्लामिक रूल थ्रू इस्लामी इनकलाब, ठीक है, मतलब वही सब चीजें बेसिकली, ठीक है। तो ये सही करा, इस तरह की चीजों की हमारे पास स्पेस नहीं है इस कंट्री में, सॉरी, बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन डेवलपमेंट एंड मेकिंग इंडिया द नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत सही करा इन लोगों ने बैन करके, और ये सब बंद करो यार, ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर भी रही है। कश्मीर सोल्यूशन लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन says Mehbooba and Umar. अच्छा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ऑन वेडनेसडे सेड एनी सॉल्यूशन टू द कश्मीर इश्यूज लाय विद द कॉन्स्टिट्यूशन। वाओ, स्पीकिंग इन श्रीनगर मिस मुफ्ती सेड एनी डायलॉग ऑन, प्लीज यार बकवास कितने करते हैं लोग, मतलब इन लोगों ने खुद फुल पावर सपोर्ट करा है पाकिस्तान का, इसके तो मैंने बचपन से मैं देख रहा हूँ, मतलब कितने कितने सारे इनके स्पीच है जिसमें यू नो दे आर फुली सपोर्टिंग पाकिस्तान, दे नेवर से एनीथिंग बैड अबाउट देम, एंड दे जस्ट लाइक आई डोंट नो, दे कैसे ये दोगलापन कैसे हो सकता है। एनी आइसोलेशन टू कश्मीर लाइज विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिसेंट ऑफर टू होल्ड डायलॉग विद इंडिया, मिस मुफ्ती सेड, जो अभी रिसेंटली मैंने कल दिखाया था कि वो बोल रहा है हमें बात करनी चाहिए, पीस करना चाहिए। द पीडीपी इज फॉर बेटर टाइज एंड dialogue between India and Pakistan. Let's move to the next. I got frustrated there. अब बीजेपी पे आते हैं, ठीक है जी, और ये मुझे ना यहाँ पर फिर बीजेपी भी वही, कांग्रेस वही, आप वही, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे डिसअपॉइंट कर देती हैं। क्यों? मोदी इज सुप्रीम एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये इन्होंने ये बोला है। अब जब ये इस तरह की चीजें बोलते हैं ना कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड और मोदी इज सुप्रीम, तो मुझे ना एकदम से फिर वही आता है कि क्यों ऐसे भगवान बना रहे हो एक आदमी को यार, सब लोग इंडियंस हैं, सब भगवान है, सब इंडियंस भगवान है, तो हम सब आगे बढ़े। और सब प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा काम करा है, अटल बिहारी वाजपेयी सर ने कितना सही काम किया था, मनमोहन सिंह सर ने कितना सही काम किया था, जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे बहुत फुल पावर अच्छा काम करा है। अब बात वही है कि कौन इंटेलिजेंट और स्मार्ट काम करेगा और कंट्री को ज्यादा जल्दी आगे ले जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड अ गुड जॉब, बट कुछ एरिया से मुझे लगता है कि हाँ गलत, बहुत गलत कर दिया, यू नो लाइक। तो अब फिर ये बीजेपी वाले फिर इस तरह से करते हैं ना, तो फिर वही कि मेरा मुझे पसंद नहीं आता, मतलब कि ऐसे आई डोंट थिंक सो यू कैन से लाइक यू शुड से लाइक दिस एज अ ग्लोबल पार्टी व्हिच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टी, सो यू शुड नॉट से दैट, बी मोर मेच्योर, यू नो। इंडिया बाय गेटिंग द चेयरमैनशिप ऑफ G20 एंड द शंघाई कॉपरेशन अंडर द, यार ये एक सिस्टम्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, SCO, G20, G7, यू नो मल्टीपल क्वाड, इसमें ना अपने आप ये मूव होता रहता है वोटिंग से। तो ऐसा नहीं हुआ कि मोदी ने कुछ की, मोदी की वजह से हमें मिल गया, ऐसा नहीं हुआ है, मतलब यू नो लाइक। बट डेफिनेटली आई वुड से फॉरेन पॉलिसी बाय मोदी गवर्नमेंट हैज बीन अमेजिंग एंड बहुत ही सही, बहुत ही सही। गाइज अब ये आज का सबसे खतरनाक न्यूज आइटम मेरे लिए है पर्सनली, मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज प्रेस फ्रीडम जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके जो चार पिलर हैं उसके अंदर एक होता है मीडिया, एंड वो मीडिया को आई थिंक हमें चेंज करना चाहिए, वी शुड कॉल इट फ्री मीडिया। तो फ्री मीडिया इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी। जो बाकी तीन पिलर है वो क्या है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो ये चार मिलके एक हेल्दी डेमोक्रेसी बोला जाता है। कई बार क्या होता है हमें मुलाकात होती है हमारी कांग्रेस भक्त से, बीजेपी भक्त से, या फिर आप भक्त से, तो सब जो भक्त बने फिरते हैं यहाँ पर उनके लिए है ये कि जब भी कोई गवर्नमेंट एज एन एग्जीक्यूटिव, कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है या मीडिया गलत कर रही है, तो हमें उनको बताना है कि तुम लोग चार पिलर हो,
हमारे पूरे स्ट्रक्चर के, डेमोक्रेसी के, तुम क्या कर रहे हो? फर्स्ट इज फ्री मीडिया, सेकंड इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब आपका जो पार्लियामेंट है जिसमें ये लोग लॉज बनाते हैं, तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेट करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसके जो सीएम नितिन गडकरी एटसेट्रा एटसेट्रा, और जुडिशियरी। तो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड फ्री मीडिया, ये हमारे चार पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। अब ये जो मीडिया होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। अगर ये खत्म हो जाएगा तो बाकी तीनों भी नहीं रहेंगे, बिकॉज उनमें से तीनों के तीनों भी साथ में मिल सकते हैं और उनमें से वो एक तीसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस का भी कॉन्सेप्ट होता है। और कई बार क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो हमारा सिस्टम है जिसमें लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है, तो ये दोनों इन अ वे साथ में हो सकते हैं इफ देयर इज अ स्ट्रांग मेजोरिटी। तो जुडिशियरी को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है इन अ वे, जो कि मैं कुछ धीरे धीरे से मैच्योर करेंगे टीवीएस को, तो धीरे धीरे ये सब चीजें भी हम लेके आएंगे, अभी हम बेसिक सीन पे रखते हैं। तो ये तो तीनों, तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री मीडिया। तो यहाँ पर सोशल मीडिया, क्योंकि अब देखो आज तक जी न्यूज, एनडीटी, लाइक ऑल दीज चैनल्स नाउ आर एक ही पार्टी की तरफ को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो मीडिया, अगर आप न्यूज चैनल देख, टाटा स्काई देख रहे हो, टाटा स्काई पे बहुत गलत सीन है। तो यहाँ पर आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा एटसेट्रा एटसेट्रा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, इनको यूज करना पड़ता है सो दैट यू गेट टू द ट्रुथ। वरना ये आपके सामने ऐसे रखेंगे, मतलब मेरे ऐसे लोग जो और भी लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी आप ढंग से एनालाइज करें कि वो कोई पार्टी अलाइंड तो नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो हैं। तो जितना ज्यादा आप उनको देखोगे समझोगे, तभी आपको ट्रस्ट वैल्यू मिलेगी कि यार ये बंदा सही बता रहा है तो मैं इसकी बात सुन सकता हूं। और फिर तब भी एंड में गूगल पे सर्च करें, रिसर्च करें और तब एक जजमेंट पर आए, तो भक्त नहीं बनना। तो अब क्या सीन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स ओवर अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट मेड टू द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, तो एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट प्रपोज हो रही है, ड्राफ्ट बन चुका है कि हम अमेंड करेंगे आईटी रूल्स को 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आईटी, व्हिच एम्पावर्स द पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी जो है उसको पावर दे रहा है कि टू फैक्ट चेक कंटेंट एंड डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू टेक इट डाउन। दिस इज बिग, दिस इज रियली बिग, बिकॉज दिस इज नॉट फेयर नाउ। सो नाउ जस्ट टू समराइज, बेसिकली सोशल मीडिया कंटेंट पे जो फेक न्यूज होती है या फिर कोई भी न्यूज होती है जिसको हम हटाना चाहते हैं या बिल्कुल ही वो वायलेंस को प्रमोट कर रही है, तो उसके लिए इन्होंने अमेंड कर रहे हैं रूल्स को, ठीक है, आईटी एक्ट को। तो उसमें कह रहे हैं कि भाई पीआईबी जो है ना वो फैक्ट चेक करके और फिर डायरेक्ट कर देगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि भाई हटा ले भाई, ठीक है। इट ऑल्सो अर्ज द मिनिस्ट्री टू विद प्रेस बॉडी ऑन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल मीडिया। तो ये गलत है। अब गलत क्यों है ये? जो प्रेस, अगर आप सारी पावर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को दे दोगे तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कौन है भाई? ये कोई इंडिपेंडेंट पावर है? ये कोई, ये क्या, कौन है ये कि जो हमारा सोशल, मतलब मान लो आपने कुछ पोस्ट करा और तो पीआईबी उसको हटा सकता है बोल के कि आप गलत बोल रहे हो, फैक्ट चेक, तो सोशल मीडिया से हटवा सकता है। तो दिस इज अ अटैक ऑन फ्री मीडिया, ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, लाइक सो दिस इज सीरियस स्टफ, ठीक है। और ये करते रहते हैं चुपचाप। ये देखो, अब ये न्यूज के 12th पेज पर है, ये चुपचाप ऐसे यहां पर इंफॉर्मेशन है, कोई नहीं पढ़ रहा न्यूज़पेपर, इसलिए आप सबको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो ये सीन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कौन है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई तुम्हारा इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है ये, ठीक है। तो अगर इनको पावर दे दोगे टू फैक्ट चेक एंड रिमूव ऑन सोशल मीडिया, देन दैट इज अ वेरी वेरी बिग स्ट्राइक ऑन ऑन फ्री मीडिया। ये तो गलत है भाई, ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इट फंक्शन एज एन इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया एंड ऑल्सो सर्व टू प्रोवाइड फीडबैक टू द गवर्नमेंट ऑन पीपल्स रिएक्शन एज रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया। तो दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी, टोटली गवर्नमेंट बॉडी। तो आप फ्री मीडिया को, सोशल मीडिया को ये सोल्यूशन नहीं है, अगर आपको फैक्ट चेक करना है ये सोल्यूशन नहीं है कि आप इस तरह से एक बॉडी को, गवर्नमेंट की बॉडी को पावर दे दोगे और फिर वो, मान लो अगर मैं बीजेपी गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि गलत कर रही है, कोई और लोग बोल रहे हैं और इनके इलेक्शंस में थोड़ा फर्क पड़ सकता है उससे, तो भाई मेरा हटा देंगे कि अरे तो गलत बोल रहा है, फैक्ट चेक। तो वो फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और फिर वो सच्चाई जो है बाहर नहीं आएगी। तो ये बहुत सीरियस सीन है और ये लगातार हो रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो चेक करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इंडिया काफी पीछे है और ये हमारे लिए सीरियस सीन है गाइज, ठीक है। इसलिए प्लीज स्टॉप वॉचिंग दीज न्यूज चैनल्स, जितने भी न्यूज चैनल है ना, सारे के सारे ना किसी ना किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ये पैसे वैसे भी लेते हैं यार। मैं तो उस दिन देख रहा था गुटके के ऐड आ रहे हैं आज तक पे, गुटके के ऐड आज तक क्यों कर रहा है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंकिंग, ये मैंने सर्च करा, आप देखते हैं इसमें क्या होता है। वाह, इंडिया हैज फॉलन 8 प्लेसेस टू 150 इन द 2022 अमंग द 180 कंट्रीज। नाउ ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, जितने भी बड़े बड़े हमारे ये रैंकिंग निकलते हैं, ये बाहर की कंपनीज, जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है वो करती हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये लोग इस तरह से भी अटैक करते हैं। बट कि आज तक पे अगर आप चले जाओ, जी न्यूज, फिर इंडिया टीवी, इस तरह से ये और चार पांच जितने भी चल रहे हैं, और अब एनडीटीवी को अदानी ने ले लिया है, तो यहाँ से तो ये प्रॉपर ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया, जर्नलिस्ट आर एक्सपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल वायलेंस,
इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस, एम्बुशेस बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड डेडली रिप्रेजल्स बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स। मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ, भी अगर मैं ये डीबीएस कर रहा हूँ तो मैं खतरनाक सीन में हूँ, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बट ये एक चीज है जो हम सबको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हर इंसान रिपोर्टर बन जाएगा, जब हर इंसान अपना अराउंड जो हो रहा है गलत हो रहा है उसके बारे में बताएगा और सब करेंगे और शेयर करेंगे, तो तुम कितना कंट्रोल कर लोगे इस सीन को? फिर कितने करप्ट ऑफिशियल्स और कितने करप्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये गंदे लोग आएंगे जो गुंडे, कितने लोगों को मारोगे फिर, जब सभी सबके पास फोन है और सब शेयर कर रहे हैं और रीशेयर कर रहे हैं और रियलिटी सत्यमेव जयते बाहर आ रहा है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया पर्सन के लिए, जो लोग सच्चाई उजागर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक कंट्री है। और अब जो हमारी सरकार है वो इस तरह से आईटी एक्ट को एडिट करके और हमारा जो बेसिक राइट टू पोस्ट, और हम जो कि सही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पोस्ट करने में, आप कुछ भी नहीं पोस्ट कर सकते, बट जो आप सोल्यूशन, मैं सरकार को बोलना चाहूंगा कि जो आप सोल्यूशन सोच रहे हो लाने का वो एक अच्छी चीज को मार रहा है, तो आप प्लीज ना करें इस चीज को, फाइंड अ बेटर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सही नहीं है। तो ये बता रहे हैं डेडिकेशन सेरेमनी ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन बाय श्री नरेंद्र मोदी। वाओ, डेडिकेशन सेरेमनी। तो ये न्यूज़पेपर जो बाय करते हो आप लोग, जैसे आपने ये बाय कर लिया राइट, ये स्पेस, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो पैसा लगाया गया है, यहाँ पर शक्लें लगाई गई हैं, ये दो, ठीक है, एक तो ये हमारे सीएम है, ये हमारे प्रधान जी, तो ये बड़ी बड़ी शक्लें, और फिर ये बीच में, यार तुम्हारा काम है ये मेट्रो निकालना, मेट्रो खोलना, ये दिस इज योर जॉब, देन व्हाई आर यू लाइक पब्लिसाइजिंग इट, और ये आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है यहाँ पर, तो इसके पैसे तो हम लोग ही दे रहे हैं ना, जो टैक्स पे हमने करा उसका अपने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस पे लाखों करोड़ों रुपए दे के ले लिया है। तो ये इन अ वे दिस इज मार्केटिंग बेसिकली, ये साइकोलॉजी के साथ खेलने वाली चीजें हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, तो वो जो कोट्स करते हैं मार्केटिंग के, तो वेरी गुड मार्केटिंग, बट आई वुड से कि हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स आना चाहिए। मतलब हम सब, जब हम इस कंट्री में रहते हैं, हम वोट करते हैं, और बाहर के लोग भी जो इंडियंस रहते हैं, बाय द वे यू आर ऑल्सो इंडियंस एंड यू हैव अ से इन दिस, तो क्या आपको लगता है सही है ये पॉलिटिकल पार्टीज जो ये एड छपवाती हैं? और केजरीवाल जी भी हमारे बोल रहे थे कि ऐड नहीं छपाएंगे, बट मैंने तो बहुत ऐड देख लिया आपके, बहुत ज्यादा, जो 5-5-10 करोड़ आपने यहाँ खर्च कर दिए, वेस्ट कर दिए, उसका आप कुछ और कर लेते यार, मतलब लोगों की मदद हो जाती, इतनी गरीबी है, सर्दी में लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी छिछोरी चीज़ों से नहीं मानेगा, जैसे मैं बता रहा था आपको कल की जो कुत्ता होता है उसकी जो पूछ होती है वो टेढ़ी होती है। आई लव डॉग्स बाय द वे, एंड या आई लाइक पाकिस्तानी पीपल बिकॉज दे वर इंडियंस राइट, सो बट द थिंग इज की जो कुत्ता होता है और पूछ होती है, सो वही, तो आज की खब ये, और ये रोज आता है गाइस, इसलिए मैं रोज न्यूज पेपर पढ़ने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई ये सब हो रहा है। जिस दिन अगर हमारी एज अ कंट्री हम वीक हो गए, या हमारे पैसे नहीं है, या हमारे जो लोग हैं उनमें गरीबी है, तो आपस में लड़ रहे हैं, और फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, शक्लें, इन सब पर डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री फिर खतरे में आएगी। और फिर जो हम लोग लाइफ जी सकते थे अपनी कंफर्ट से, और हमारे पास सब कुछ है, मतलब टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट्स हो रही है, हमारा सोशल सिस्टम अच्छा है, हमारा सिक्योरिटी, तो फिर गलत सीन हो जाएंगे। तो ये कंट्रीज ट्राई करती रहती हैं। तो आज की खबर, बीएसएफ सीजेस चाइनीज पिस्टल्स ड्रॉप बाय पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने बनाया, दे डोंट मेक एनीथिंग एक्सेप्ट टेररिस्ट। सो द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज सीज्ड वेपन्स एंड एमुनेशन ड्रॉप बाय अ पाकिस्तानी ड्रोन अराउंड 8 किलोमीटर इनसाइड द इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। एंड फिर वहां पर हमारे जवान गए, उन्होंने ड्रोन की आवाज सुनकर, क्योंकि बहुत फॉग था, उसको शूट करा, ड्रोन नीचे करा, और इनको पिस्टल मिली है, और चाइनीज पिस्टल है। तो चाइना और पाकिस्तान साथ में मिलकर इंडिया को करना चाहते हैं, बट ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। ऑब्वियसली डोर खोल दिया था उसने, तो उस पर सीन है कि कैन अ पैसेंजर ओपन अ डोर मिड एयर? नो, डोर्स आर सेंट्रली लॉक्ड बाय कॉकपिट क्रू। इट्स ओनली व्हेन पैसेंजर्स हियर द पायलट से डोर्स टू मैनुअल आफ्टर द प्लेन हैज लैंडेड एंड इज टैक्सिंग टू द ग्राउंड, देन यू कैन ओपन इट। तो ऐसा नहीं कि जो मतलब प्लेन उड़ रहा है और आप उस डोर के साइड में, आपने सोचा कि ये खोल दो खत्म, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसी के साथ आज का बालियान शो समाप्त होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। आई होप आपको अवेयरनेस मिली होगी, और देखिए अगर अवेयरनेस आप रोज के रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, तो एटलीस्ट शो में अपने ड्राइव करते हुए या फिर कुछ भी करते हुए, काम करते हुए, जिम करते हुए इसको सुने, क्योंकि हम साथ में मिलके इस कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। हम तभी ले जा सकते हैं जब हम सब अवेयर होंगे क्या क्या हो रहा है। तो जब हम इंटरेक्ट करेंगे किसी भक्त के साथ, जो कि कांग्रेस, बीजेपी, आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है, तो उसको हम फैक्ट से बता सकते हैं कि सर ये सीन हो रहा है, सर ये सीन हो रहा है, सर ये गलत है, सर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं उसमें आप मीडिया को ऐसा नहीं कर सकते, सर एक पॉलिटिशियन को रिलीजन को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो जब हम अवेयर होंगे कि हमारी कंट्री में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम हैं, और कैसे हम इसको आगे ले आ सकते हैं बाय कमिंग टुगेदर एंड बीइंग अवेयर कि ये किस तरह से हमें प्ले करते हैं, कैसे हमें डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या कर रही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें हैं, जैसे वो एलजी और आपके बीच में हो रहा है, तो इस तरह की चीजें जब हमें पता चलती है तो हम ज्यादा अवेयर होते हैं, हमारा माइंड बेटर वर्क करता है, और साथ में मिलकर हम बेटर इस कंट्री को बना सकते हैं और इंडिया को नंबर वन बना सकते हैं। सो आई होप यू लाइक टुडे शो, सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो, बूम, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।